गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोग घर पर सेफ होंगे। मैं सर राजेश्वरी पाठक। आज हम स्टैंडर्ड 7 का हिंदी वन का लेसन नंबर 5, उसका पार्ट 1 और लेसन का नाम है धरती की शान। ये आपको आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 28 पर मिलेगा। अब लेसन शुरू करने से पहले आपको लेसन के बारे में थोड़ा बता दें कि हम जब भी बाहर जाते हैं, कहीं भी एनिमल्स होते हैं और इंसान होते हैं, तो आपको पता होगा कि जो काम इंसान कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता। और ये जो हमारी पोयम है उसमें इंसान की जो ताकत है, इंसान का जो अस्तित्व है वो किस दर्जे तक है, उसके बारे में पूरा बताया गया है। मनुष्य की ताकत के बारे में पूरा ये लेसन है। हम भी मनुष्य ही हैं और हमें भी पता है कि हम खुद को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। और इस लेसन से आपको सीख दी गई है, बिकॉज अभी आप बहुत छोटे हो तो आपको ये सब चीज़ें सीखनी है कि आप क्या से क्या कर सकते हो। आपको खुद को कभी भी नीचा नहीं समझना है, क्योंकि आप भी मनुष्य हो और मनुष्य जो है वो भगवान से भी आगे काम करते हैं, कि भगवान जो है वो हमें दिखते नहीं है। दिखता कौन है? मनुष्य। तो वो उसके दर्जे का यानी उसके लेवल का काम कर सकता है, वो पूरा हमारी पोयम में बताया गया है। अब कवि के बारे में, तो कवि जो है इसके पंडित भरत व्यास जी हैं, जो एक गीतकार है, जिन्होंने हिंदी मूवीज जो है पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज थी उसमें और उसके बाद कलर मूवीज भी है उनकी, 57 से उन्होंने जो है वो गीतों की रचना की है और बहुत सारे अच्छे अच्छे मूवीज में इनके गाने हैं। अब तो हम सभी लोग नेट यूज़ करते हैं, यूट्यूब है आपके पास, तो इनके सॉन्ग्स जो है वो आप सर्च करके सुन सकते हो, जिससे आपको पता चले कि ये कभी हमारे पढ़ाई में आते हैं तो वो क्या है। अब आपको जो बताओ कि ये जो गाना है ये 57 में जो एक मूवी बनी थी गीत गौरी, उसमें से ये गांव गौरी, उसमें से लिया गया है ये सॉन्ग। और अभी मैं आपको गाकर पूरा सुनाऊंगी, तो उससे पहले हम कवि के बारे में जो समरी है उसको बुक में पढ़ लेते हैं। लेसन नंबर 5, धरती की शान, पंडित भरत व्यास। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है। अब लेखक के बारे में, उनका जन्म जो है वो राजस्थान में हुआ है और उन्होंने जो ये गाना है वो गीत गौरी गांव गौरी में लिया है और उसी में से हमारी पढ़ाई में भी आया है, क्योंकि इसमें जो है वो वर्ड्स प्ले जो है बहुत ही अच्छे हैं और मनुष्य की ताकत के बारे में बता रहे हैं। अब इस पोयम में क्या आ रहा है उसे समझिए, थोड़ी सी पढ़ लें। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। लेसन शुरू करने से पहले ही आपको बताया कि बहुत सारे चीज़ें हैं जो सजीव है जो निर्जीव है, पर उसमें बुद्धि जो है वो किसको मिली है? सिर्फ मनुष्य को। आपको अगर एनिमल्स को खाना दोगे तो वो रास्ते में भी खा लेगा, पर मनुष्य खाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें बुद्धि है कि किस तरह से हमें ट्रीट किया जाए, हम किस तरह से हमें रहना चाहिए। आप गाय भैंस को चारा खिलाते हो, मनुष्य घास खाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें बुद्धि है कि वो खाना पका सकता है, उसको अच्छे से बना सकता है और फिर खा सकता है। एनिमल्स जो है गाय भैंस को खाना पकाते हैं नहीं ना, तो मनुष्य को जो बुद्धि दी है सिर्फ खाना पकाने की नहीं, परंतु आज जो है हमारा साइंस जो है वो इस मुकाम पर है। अभी सोच लो कि पहले के ज़माने में ये लॉकडाउन हुआ होता तो क्या आप घर बैठे पढ़ सकते? नहीं। बट टेक्नोलॉजी जो है उसको मनुष्य वहाँ से वहाँ ले गया है कि जिसमें वो घर बैठे भी पढ़ सकता है। अभी आप अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनको अमेरिका को अपने घर ला सकते हो, वो आपको पूरा अमेरिका जो है ऑन वीडियो और योर मोबाइल बता सकता है। तो वो किसने किया है? मनुष्य ने किया है। अब जो है आपने बातें सुनी होगी
कि मंगल पर जो है वो घर बनेंगे, चांद पर लोग घर बनाएंगे। क्या ये हमने सोचा था कभी? नहीं। बट मनुष्य जो है वो मनुष्य, साइंटिस्ट जो है वो कौन है? मनुष्य है, एक साधारण मनुष्य था जो उसने वहाँ तक प्रगति की है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पहले और आज के ज़माने में कंपेयर करें तो वो सब जो है कोई भगवान ने आकर नहीं किया, मनुष्य ने ही किया है। तो मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है और उसका उसने अच्छा उपयोग किया है, उसी के बारे में आगे। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है कि मनुष्य कितना महान है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। वो धरती आकाश जो भी है उसमें उसने जो जो काम किए हैं, पूरा जो लेसन समझाऊंगी तब आपको बता दूंगी। इन शॉर्ट मनुष्य की महानता को यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले पोयम हम पूरी पढ़ लेंगे, बाद में वन वन पैराग्राफ आपको बता देंगे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भुजाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाग, तेरी भ्रुकुटि में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। धरती सा दीन तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय होके पशुत्व का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा गतिमान पवन सा मत गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। अब लेसन शुरू करने से पहले मैंने बोर्ड पर जो भी शब्दार्थ लिखे हैं एक बार आपको बता दूं उसके मीनिंग्स क्या होते हैं। आपको जब मैं लेसन समझाऊंगी तब तो आपको बताऊंगी, पर एक बार आपको पता होगा तो ध्यान रखें। शान यानि वैभव, मुख यानि प्रवाह, धरती पृथ्वी, अंबर यानि आकाश, ज्वाल यानि अग्नि, भूचाल यानि भूकंप, पता है ना भूकंप 2001 का, भार यानि लड़ाई, भ्रुकुटि यानी भौं, जो आपको प्रॉपर मीनिंग शायद नहीं समझ में आएगा, जो आईब्रो है हमारी उसको कहते हैं भ्रुकुटि। काल यानी समय, गतिमान जो है मतिमान यानी बुद्धिमान, ठीक है। अब सभी लोग जो है वो लेसन में प्रॉपर ध्यान देंगे, और ये जो पोयम है आप यूट्यूब पर डालोगे ना धरती की शान तो तुरंत उसमें आ जाएगी, तो आप उसको जो है सुन सकते हो कि किस तरह से इसका पूरा राग है, ये गीत है एक, इसको आप वहां यूट्यूब पर भी सुन सकते हो। फर्स्ट पैराग्राफ, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती यानी पृथ्वी, उसकी शान जो है वो कौन है? मनुष्य है। अगर मनुष्य ही नहीं तो धरती धरती रहेगी ही नहीं। भारत, हम जो है कौन से देश में रहते हैं? भारत देश की हम लोग सभी संतान है। आर्य जो है वो सबसे पहले यहाँ आए थे, और आर्यों की संतान हमें कहा जाता है, वो हमारे हिंदी के चैप्टर्स में आता है। पर हमारा जन्म जो जिस देश में हुआ है इसीलिए भारत जो है उसका नाम यहाँ पर दिया है कि भारत की हम सब संतान है। के पेरेंट्स तो है और
उससे पहले आपके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स सभी लोग इकट्ठा होकर हम भारत माता की संतान हैं। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, मनुष्य की जो हाथ होता है उसमें तूफान बंद होता है कि वो जो है बहुत बड़े से बड़े तूफान होते हैं उसको भी रोक लेता है। मनुष्य तो बड़ा महान है, मनुष्य को यहाँ पर बहुत ही महान बताया गया है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। अभी आप लोग जाते हो रास्ते में, आपको पता होगा कि कहीं जगह पर जो पहाड़ थे वहाँ पर अब फ्लैट जमीन होकर वहाँ पर मकान बन गए हैं। जमीन जो थी उसमें अब जो भी कंस्ट्रक्शंस जो है वो होने लगे हैं। आप जो भी पहाड़ी एरिया में जाओगे, पहले बहुत सारे पहाड़ थे, तो मनुष्य ने ये काम किया है कि पहाड़ों को भी तोड़कर उसने जो है वो फ्लैट जमीन कर दी है। तो मनुष्य के हाथ में बहुत ताकत होती है कि वो पहाड़ों को भी तोड़ सकता है। नदियों का मुख भी मोड़ दे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि नर्मदा नदी। आपके मोस्टली लोगों को पता होगा कि आपके घर में नर्मदा का पानी आता है, तो वो कैसे आता है? नर्मदा नदी का जो ओरिजिन है वहाँ से यहाँ तक उसको मोड़ना वो किसने किया है? मनुष्य। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। अब माटी यानी एग्रीकल्चर की बात हो रही है, अमृत यानी खाना। अगर खाना नहीं है तो जीवन नहीं है, तो उसी की बात की है कि माटी से अमृत निचोड़ना यानी अनाज पैदा करना। आपको पता होगा कि खेती नहीं होगी तो खाना नहीं होगा, सबसे पहली हमारी जरूरियात है। तो माटी से अमृत निचोड़ने का काम भी मनुष्य ही कर सकता है। तू जो चाहे धरती से अंबर, धरती को अंबर से जोड़ दे। यहाँ से अब ऊपर जाना बहुत ईजी हो गया है। आपको शुरू बताया मैंने कि मंगल पर हम लोग बसने की बात कर रहे हैं, वहाँ के हमको फोटोग्राफ और ये सब तो मिल गए हैं चंद्र के, मंगल के, तो ये चीज़ पॉसिबल हुई है कि हमने धरती से अंबर को जोड़ दिया है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको मिलता। हमारी जो बॉडी होती है उसकी मृत्यु हो जाती है, पर प्राण जो है हमारी आत्मा जो है वो ऑलवेज अमर रहती है, और वो वरदान सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। मनुष्य की आत्मा में कौन बसता है? भगवान बसते हैं। अब इतना तक हमारा पार्ट वन रहेगा, उससे पहले ये वन पैराग्राफ जो है आपका दो पैराग्राफ रिकॉल कर लूँ कि इसके जो कवि है वो भरत व्यास जी है। मनुष्य के बारे में पोयम है कि मनुष्य की बुद्धि के बारे में पोयम है। धरती किसान उसको बताया है भारत माता की संतान है। मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, जो क्या क्या कर सकता है, तो पर्वत पहाड़ों को तोड़ सकता है, नदियों का मुख जो है वो मोड़ सकता है, माटी यानी कि खेती की बात है कि मिट्टी जो है उसी में अनाज पकता है, मिट्टी नहीं होगी तो अनाज नहीं होगा, तो मिट्टी से अमृत को भी निचोड़ सकता है, धरती को अंबर से जोड़ सकता है। अभी जो है हम यहाँ से आकाश तक जाना बहुत ईजी बन गया है। अमर तेरे प्राण, मनुष्य को अमरत्व यानी नहीं मरने का वरदान मिला हुआ है तेरी आत्मा में। भगवान की जो है वहाँ होते हैं हमारी आत्मा में, वो हमें दिखाई नहीं देती, उनके अस्तित्व जो है वो हमें पता चलता है। बस उसी की बात की है कि तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं। इतने तक हमारा पार्ट वन रहेगा, नेक्स्ट पार्ट मैं आपके पास लेकर आऊँगी। ओके, तभी तक स्टे सेफ। थैंक यू।